तो देखिए इसमें क्या होगा, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस सवाल में है, देखो क्या बोला गया है, ड्रॉ द, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच द क्वेश्चंस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। हमें क्या करना है, वर्टाइस के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और क्या करना है हमें इसका, ये जो ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और हमें क्या करना है, बस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है, ठीक है, और इसके हमें बताने हैं जो भी ये वो हो जाएंगे हमारे वर्टाइसेस, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाएंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका बॉक्स बनाते हैं, चलिए तो देखो बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ये हमने बनाया बॉक्स एक्स वाई, ठीक है, जब x की जगह पर हमने ले लिया 0, x की जगह पर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, अब y देखो इधर है, यहाँ पर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब x की जगह पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर इस वाले में 0 लिया है, जब ये 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, सॉरी हाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ गया 1। अगर हम यहाँ वाई की जगह पर 0 लेते हैं, वाई की जगह पर अगर हमने यहाँ 0 लिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बराबर माइनस 1 बचा, सिंपल सी भाषा में है ना, एक्स बराबर क्या बन गया, माइनस 1 बच गया, क्योंकि ये तो 0 आ गया इसकी जगह पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, तो देखिए किस तरीके से होगा, वाई बराबर 0 मतलब ऐसे करके एक्स माइनस 0 बराबर हो गया आपका ये माइनस 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया, कुछ कुछ नहीं बचा, ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से होगा, इस वाले का बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स ही बनाना पड़ेगा ना यार, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 0 लेते हैं, यहाँ पर मतलब 3 गुणा 0 प्लस 2 वाई बराबर 12, ठीक है, ये आ गया 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो y बराबर आ गया, मतलब x और y, जब हमने x की जगह पर 0 लिया, y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6, ठीक है। जब हम यहाँ 0 लेंगे, जब हम इधर 0 ले लेंगे तो 3 चौक 12 नहीं आ जाएगा, मतलब 3x बराबर 12 रहेगा, y की जगह तो 0 आ गया हमारा, 3 चौक 12, x बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पर ये आ गया हमारा 4, ठीक है, क्या आ गया, 4 आ गया, इस तरीके से, समझ में आया ये आपको, ठीक है। तो देखो जब ये इस तरीके से आ गया है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्राफ में इसको शो करना है, और बस आपके क्या करना है, इसके ट्रायंगल को जो भी बनेगा इसमें उसको शेड करना है हमें, कैसे करेंगे शेड वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए आइए चलते हैं अपने ग्राफ पर। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स बराबर 0 है और वाई बराबर 1 है। चलो आइए ग्राफ पर चलते हैं। देखो एक्स बराबर क्या है हमारे पास, 0, एक्स 0 है और वाई कितना है, 1 है, x 0 है y 1 है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे, यहाँ पर 0 और 1 रख देंगे, ठीक है, ये आ गया पॉइंट हमारा। और देखिए आगे क्या बोला गया है हमसे, इसमें बोला गया है कि x बराबर माइनस 1 है और y बराबर 0 है, x बराबर हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस 1 है, मतलब इधर की तरफ बढ़ेंगे, और y बराबर 0 है, तो ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, और इनको अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं दोनों लाइन्स को ऐसे करके मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाला हमारा x बराबर माइनस 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है हमसे, इसमें बोला गया है कि देखो दूसरे वाले बॉक्स में x बराबर 0 y बराबर 6, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा ऐसे लाइन खींच करके, ऐसे x बराबर 0 y बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 y बराबर 0, क्या होगा, x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 और y बराबर 0, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो ये 4 और ये क्या हो गया, y बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो किस तरीके से मिलेगा, ऐसे करके इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये किस पर, 2 और 3 पर मिल रहा है, आपको पता है 2 और 3 पर मिल रहा है, ये वाले हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये वाले यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहा है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना,
ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हमें क्या करना है, इसको बस कलर कर देना है आपको। मैं कलर ले लेता हूँ इसका, कोई और सा डार्क सा कलर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ मैं हाईलाइट, और तो इसको हमें क्या करना है, शेड करना है इस तरीके से, बस ऐसे करके आपको बस क्या करना है, शेड करना है। ये लो हो गया, इस तरीके से हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको, ये वाला था इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।